आज हम इस HTML प्रोग्राम में ये सीखेंगे कि कैसे पी टैग जो होता है पैराग्राफ, पी फॉर पैराग्राफ, तो पी टैग का यूज़ करके हम पैराग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं। वो आज हम इस प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। कैसे सीखेंगे वो हम देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हम HTML टैग ओपन करेंगे, देन बॉडी टैग ओपन करेंगे। जैसा कि मैं पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि सबसे पहले HTML टैग को हमको ओपन करना पड़ता है, फिर उसकी बॉडी यानी बॉडी टैग को, और टैग्स को हम कैसे लिखते हैं, जो ग्रेटर देन और लेस देन वाले हमारे ब्रैकेट्स होते हैं उनके बीच में लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, बॉडी टैग बना लिया, अब यहाँ पे पैराग्राफ हम यूज़ कर रहे हैं। तो पैराग्राफ के लिए टैग होता है पी, जो प्री डिफाइंड है, मतलब पी पैरा के लिए। तो दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग, तो दिस इज़ अ पैराग्राफ डॉट। फिर जैसा कि मैंने बताया था, हेडर में क्या किया था हमने, हेडर टैग को ओपन किया था H1 को और यहाँ पे क्लोज किया था। देन पी को यहाँ पे हम फिर एक और पैराग्राफ ले रहे हैं, दिस इज़ पैराग्राफ, देन पी इसको भी क्लोज किया, फिर दिस इज़ एक और पैराग्राफ ले रहे हैं, दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो इसको मैं किया, देन यहाँ पे क्या है, बॉडी को क्लोज किया, देन HTML टैग को क्लोज किया। तो यहाँ पे समझने के लिए मैं इसको पैराग्राफ 1 दे देता हूँ, इसको पैराग्राफ 2 दे देता हूँ, इसको पैराग्राफ 3 दे देता हूँ। तो इस टाइप से मैंने 1, 2, 3 दे दिया, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बनाया था कि HTML के प्रोग्राम्स को क्या करना पड़ता है कि हमको डॉट HTML में सेव करना पड़ता है। तो सेव करना मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने क्या किया, सेव एस पे किया, फिर प्रोग्राम मैंने क्या रखा हुआ है कि दूसरे नंबर का प्रोग्राम है, प्रोग्राम फॉर HTML पैराग्राफ, तो इसको .html में सेव करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये पहले से प्रोग्राम बना हुआ है, सेव हो चुका है, तो इसलिए रीराइट कर दिया। तो ये सेव हो गया हमारा प्रोग्राम। तो सेव होने के बाद हम क्या करेंगे, फोल्डर में गए, तो ये हमारा जो प्रोग्राम था इस पर हमने डबल क्लिक किया, तो ये हमारा मोज़िला में ओपन हो गया। तो ओपन होने के बाद हम देख सकते हैं कि पैराग्राफ क्या हुआ कि दिस इज अ पैराग्राफ 1, दिस इज़ अ पैराग्राफ 2, दिस इज़ अ पैराग्राफ 3। तो इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, लेकिन एक डिफरेंस ये देखिए, जो भी पी टैग में लिखा था तो लाइन से नहीं आया, पहला टैग पहले आया, फिर दूसरा टैग आया, फिर तीसरा टैग आया, मतलब एक पैराग्राफ के रूप में आ रहा है। एक लाइन पहले चलेगी, फिर जैसे ही पी दूसरे में लिखेंगे तो दूसरी लाइन भी चलेगी, तो इस टाइप से लाइन बाई लाइन चलेगी। तो अब इसी प्रोग्राम में हम एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने पैरा टैग का यूज़ किया था। मान लीजिए पहले वाले को अगर हम हेडर टैग में बदल दें कि इसको हम H1 दे देते हैं, ठीक है, देन दूसरे वाले को हम क्या करते हैं H2 दे देते हैं, और तीसरे वाले को कुछ नहीं देते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे H2 दिया था, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, H2 को हमको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं H2 को क्लोज करूँगा बैक स्लैश का यूज़ करके, और ऊपर H1 को क्लोज करूँगा। यहाँ पे मैंने H1 को क्लोज कर दिया, तो इस टाइप से ये क्लोज हो गया। और अब हमने इसको सेव कर दिया, तो सेव करने पे हमने क्या देखा, H1 H2 को हमने क्लोज किया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद सेव किया मैंने प्रोग्राम को, वापस मैं जाऊंगा जहाँ मैंने रन करा रखा था, इसको हम रीलोड करेंगे। तो रीलोड करने पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ पैराग्राफ 1, जिसको हमने हेडर 1 दिया था तो वो इतना बड़ा हो गया, देन दिस इज़ पैराग्राफ 2, जिसको हमने हेडर 2 दिया था तो ये थोड़ा उससे छोटा हो गया, और दिस इज़ पैराग्राफ 3, जिसको हमने कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वो थी साइज़, वही साइज़ आ गया। तो इस टाइप से आप पैराग्राफ, मतलब पैरा टैग का यूज़ कर सकते हैं और HTML की कोडिंग कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और HTML के प्रोग्राम सीखें। थैंक यू।